ओला और उबर कैब सर्विस के करीब 500 से अधिक टैक्सी चालकों ने बाइक राइड सर्विस और कमीशन घटाने की मांग के साथ सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर आक्रामक मोर्चा निकाला। राष्ट्रीय टैक्सी चालक मालक संगठन के नेतृत्व में निकाले गए मोर्चे के कारण शहर में कुछ देर के लिए कैब सर्विस लड़खड़ा गई और लोगों को बुकिंग के बाद सर्विस में देरी का सामना करना पड़ा। हालांकि जिलाधिकारी से मिलने के बाद दोबारा सभी चालक सर्विस पर लग गए। ज्ञात हो कि कैब चालकों की मांग है कि ओला और उबर कंपनियां अवैध तरीके से बाइक राइड को बढ़ावा दे रही है। हमसे परमिट लेते समय ही भारी भरकम फीस वसूल ली जाती है। कैब की सवारियों पर दुर्घटना बीमा लागू होता है लेकिन बाइक राइड में ऐसा कुछ नहीं है। 100 से 35 प्रश्न कमीशन कंपनी की लूट संगठन के अध्यक्ष मोरेश्वर चवरे ने कहा कि नागपुर में चल रही कैब पर ओला और उबर कंपनियां 35% कमीशन वसूल रही है, यानी हमें 100 रुपए में से केवल 65 रुपए मिल रहे हैं। वहीं इसी देश के केरल राज्य में सरकार ने प्राइवेट ऐप बैन करके अपना ऐप शुरू किया और 92% राशि चालकों को मिलता है। सरकार केवल 8% कमीशन ले रही है। हमारी मांग है कि चालकों को कुल बिल का कम से कम 80% भुगतान होना चाहिए। मैं मैट यूनियन का अध्यक्ष प्रवीण नादेलवार। आमची जी लड़ाई है ओला उबर बाइक आणि ते बाइक अनलीगल तरीके ने चालवत आहेत म्हणून आम्ही लोकांना हा आंदोलन काढलेला आहे। दुसरा आहे तो 35% कमिशन घेत आहे ओला उबर। आणि तिसरा मुद्दा आमचा हे आहे की ओला उबरनी आमचे रेट वाढवायला पाहिजे। आम्हाला टॅक्सीवाल्यांना ऑटोपेक्षा कम रेट भेटतात, याच्यासाठी आम्ही ना आंदोलन काढलेलं आहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मुहड़ के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।